घर में घुसा नहीं हो, मैंने पेंट का डब्बा रखा, उससे पहले डिमांड शुरू हो गया और इसने कहा कि यार मैं कलर करूं, क्योंकि व्हाइट पे होता तो सबको घर का आना चाहिए ना भैया। भाई कैसे हो गया यार, गाड़ी के शीशे के ऊपर चढ़ गया, देख 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 देख, और बकरियों के पास जाने के लिए। भाई गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज सुबह से बहुत सारे काम फैले हुए हैं, और सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि घर में क्या हो रहा है। ये कॉर्न और इसमें कैप्सिकम मिला के आज ये बनाएगी फाइनली वो सैंडविच जिसमें इसका पोपट हो गया था बहुत दिनों पहले। क्या पोपट हुआ था भाई? हुआ ही था, बेइज्जती कराई थी तुझे यार। कुछ भी। अच्छा उस दिन एक तो हम लेट उठे, फिर भैया और लेट आए, और फिर हमारा सारा काम भैया ही आए हुए हैं, सारे में फैला पड़ा है मेरा सारा काम फैला पड़ा है। लेकिन कुछ तो बनेगा, अच्छा बनेगा। और ये चीज डालेगी इसमें, सब डाल दूंगी सब। अच्छा तो इसके अंदर तुम मसाले के अंदर, पहले तो मसाले बना रही है अंदर का? पहले मैं इसमें अलग अलग करके रखती थी इसको। हाँ। फिर मुझे मासी ने कहा, अच्छा फिर मासी ने कहा एक जगह मिक्स कर दो, तो इसमें मेयोनीज भी डाल देगी अब तो। यस, तो मेरा काम इजी हो गया। भाई सैंडविच बहुत ही बढ़िया बनाती है, टेस्ट इनका बहुत बढ़िया होता है ऐसा कहना पड़ता है। इसने पहले कहा था स्टार्टिंग बोलते, बाद में बेइज्जती करे क्योंकि आधे लोग स्किप करते हैं बीच का पार्ट। तो भाई तुम देखो, तुम्हारी वजह से इस वीडियो में बुलवा रही है। वैसे देखो असलियत के लिए आप पूरा ब्लॉग देख रहे हो, कितना यम लग रहा है, जिसने पूरा ब्लॉग देखा बताना कमेंट करके। अरे मस्त लग रहा है, इसको ऐसे खा लेना है ना। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मैं कहूंगा नहीं, मैं मार दूं मुझे को भी बदतर की जिंदगी बिल्कुल भी। ये देख, ये बन गया पेस्ट, पेस्ट बन गया। अब इसको सैंडविच में भरेगी फिर। हाँ, फिर सैंडविच पे वो ब्रेड लेके या तो उस पे दोनों साइड सॉस लगा सकते हो, ठीक है। फिर ये भर के बटर में से वो मस्त एकदम इजी वे चीज भी डलेगी। अभी चीज भी अभी आपको घर का हाल दिखाता हूँ एक बार। तो भाई काम चल रहा है अभी पूरा, अभी भैया थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। पूरी दोबारा से जो पुट्टी पी ओपी हो गई, यहाँ पर भी पुट्टी पी ओपी हो चुकी है। अब इस दीवार पे कलर करवाएंगे, अभी कलर लेने जा रहे हैं मैं और पापा, दुकान पे कलर बनवाएंगे और फिर इस सिर्फ इस दीवार के ऊपर कलर कराएंगे। कैसे परेशान हो गए, कह रहा भाई साहब बेड वहाँ लगा होता था आगे निकाल दिया, टीवी से चिपका दिया बेड। कैशू करेंगे थोड़ी देर में बात तेरे से, परेशान हो रहे भाई को टाइम नहीं मिल रहा। तो ये पूरा फैला हुआ है सारा सामान ऐसे बेड के पीछे भी, इस कमरे का भी पूरा नक्शा बिगड़ चुका है भाई। जो ब्लॉग पुराने लोग हैं सबको पता होगा कैसे रखा रहता है सामान। और यहाँ पर मंदिर हमने यहाँ पर लगा दिया अपना, यहाँ पर आराम से पर्दा वर्दा लगाएंगे यहाँ पर। और यह इन्वर्टर इसके पीछे भी हो रखी थी जो सीलन आ रही थी, तो बढ़िया है। और कुछ टाइम बाद हम सोच रहे हैं इसको ना वॉश बेसिन को भी हटा के यहाँ से इसको यहाँ कराएंगे। और ये गेट बाहर की तरफ लगा हुआ है, बातों सारा गड़बड़ कर रखे हम लोगों ने, तो अंदर की तरफ गेट जाएगा, यहाँ वॉश बेसिन हो जाएगी और सब सही रहा तो ये बीच की दीवार उड़ा के इस कमरे को इतना बड़ा बना देंगे, स्विमिंग पूल होगा यहाँ पर फिर। तो अभी इस चुड़ैल को इस चुड़ैल को हम छोड़ के जा रहे हैं यहीं पर ही, और मैं और कैस्पर और पापा जा रहे हैं पेंट लेने के लिए जो पेंट हमें करवाना दीवार पे। तब तक रेडी हो जाना चाहिए खाना, बता रहे हम तुम्हें, धमकी दे के जा रहे हैं, धमकी दे रहे हम तुम्हें। इसके साथ में कोल्ड कॉफी कुछ भी, धमकी दे रहा हूँ तेरे को मैं, धमकी दे रहा हूँ, बता रहा हूँ नहीं बनाने देते मैं आया तो बता रहा हूँ। फ्रिज में दो कंपार्टमेंट है जिसमें बैठना बैठ सकती हूँ। चाकू दिखाओगे? चाकू दिखाती है, आग दिखाती है यार। तो सुन, वो कोल्ड कॉफी का मन है लेकिन आइसक्रीम नहीं है, और रुक गई, ठीक रुक गई। कोल्ड कॉफी बना ली, चलते आइसक्रीम नहीं ऐसे बना लो। यस हाँ, देख दे क्या भाई साहब, क्या पेंट लेने चल रहे हैं ना, तेरे को लेके जाएंगे, लेके चल रहा हूँ तेरे को, लेके चल रहा हूँ, अरे लेके चल रहे सरकार। तो भाई मैं पापा कैस्पर आए हैं पेंट लेने के लिए, और ये लड़का फुल फॉर्म में, इसने कहा मेरे हिसाब का कलर होगा, जिस कलर पे इसने नाक लगा दी वही कलर हम लेंगे। चले आ जाए कैसू, जल्दी आओ, ये रिशॉप यहाँ पे कलर बनवाते हैं, कलर बन जाएगा ना यहाँ पर, इससे मिक्स होएगा फिर। अच्छा अच्छा चलो, ये जुगाड़ भी, इसमें से शेड चूज करनी थी जो फाइनल हमने करी है, ये उससे मिलता जुलता ये वाला पॉलिश ब्लू है ना भैया, ठीक है। तो ये कलर कैसे बनता है इस मशीन में? इस मशीन में भी एशियन पेंट्स की मशीन में कलर बन जाएगा और फिर इसमें मिक्स हो जाएगा। तो और आपको वो एपेक्स करवा दिया, एपेक्स का हाँ, जो दूसरा जो घर के बाहर भी खराब हो गया था उसमें ग्रे कलर है, ग्रे निकाल देते भैया, हाँ ये वाली शेड है उसके, तो उस पर ये कर दो। तो इस मशीन के अंदर आप कलर वाले डालते हो, उसके बाद फिर इसमें मिक्स हो जाता है डब्बे के अंदर, ये सही जुगाड़ है। और इसके अंदर कैसे मिलेगा वाइट के अंदर, ब्रश से? अरे हिला के मिल जाता है, बढ़िया जुगाड़ है, सही है। ये भैया ने खोल के देखा है, 16 कंटेनर होते हैं अलग अलग कलर के, और फिर जो बनाना होता है उस हिसाब से इसमें प्रोसेसिंग होके फिर यहाँ से उसमें मिक्स हो जाता है। A few moments later, कैस्पर बाद में मान नहीं रहा, बेड पर बैठने को तैयार नहीं है, तो उस वजह से परेशान हो रहा था, तो इसको हमने इसमें बांध दिया, ये पट्टा इसका यहाँ अटका दिया। अब ये बाहर भी देखता रहेगा, यहाँ से बाहर का व्यू आराम से बैठा है। कैस्पर इस बाइक को ले जा, तू जा ठीक करवा के ला, तेरे को काम देता हूँ मैं, सुन रहा है, जब बाइक ठीक करा लिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है। घर में घुसा नहीं हो, मैंने पेंट का डब्बा रखा, उससे पहले डिमांड शुरू हो गई है फिर से, इतनी डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आप कह रहे टोस्टर चाहिए इसके लिए, भाई साहब दो चार मिनट फालतू लग जाएंगे, सेक लो इसको आराम से। यार देखो बहुत देर खड़े रहो, पता है इतनी देर में रख के बंदा अपना काम कर ले, बहुत काम करती है तू, है ऐसा लग रहा है जिंदगी में पहली बार कुछ ऐसी चीजें ला रहे हैं टोस्टर। भाई हमारे पास था सब सामान था, लेकिन इसकी अब डिमांड बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन, इतनी डिमांड कौन करता है इस। लेकिन वैसे ठीक है, टोस्ट करने के लिए तो 1100-1200 कहेगा, चल दोस्त
तेरी ये शादी वाले इसकी शादी किसके जहाँ इसकी शादी वहाँ टोस्टर हो तो इसकी डिमांड बेचारी की अब मुझे पूरी करनी पड़ेगी। दो साल में शादी को अब पूरी कर देंगे, काहे टेंशन लेते हो। अरे ठीक है कॉफी कलर अभी यहाँ पर भी होना है, यहाँ पर ग्रे कलर करा जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी पुट्टी हुई नहीं, यहाँ पर सीलन आ गई थी तो इसके लिए भी कलर लेके आए। सो फाइनली कोल्ड कॉफी बन गई है और ये सैंडविच अब दिखा दिखा अब टॉपिंग दिखा। बहुत सहना पड़ा इसको बिना टोस्टर के बनाने में। हाँ, सच्ची में बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत लगी। क्रिस्पी नहीं होते ना उतने, तो क्या हो गया क्रिस्पी सब इसको वो कर देना, जला दे क्रिस्पी अपने आप हो जाएंगे। भाई बहुत बढ़िया है, स्टेज लग गया और कैस्पर यहाँ बैठा है पापा के साथ। कैस्पर अलग अपनी स्टिक के पंगे ले रहा है पापा के साथ बैठ के, देखो चिड़ा चिड़ा के खिला रहे हैं स्टिक। और एक पापा तो अभी खाना खा चुके थे तो वो कह रहे थोड़ी सी कोल्ड कॉफी लेंगे। जबरदस्ती वो भी है, फोर्सफुली हमने कहा पीनी पड़ेगी, बनगी पीनी पड़ेगी ना। डॉज की नाक चल पड़ी हमारी, कॉफी पी रहा है पापा इस ग्लास में से, थोड़ी सी बची हुई है ना ऊपर से खा रहे हैं। हाथ कर लूंगा, एक से खुद खाऊं एक से इसको। ओ भाई साहब दीवाना है कॉफी का, चटोरे कॉफी दे सकते इसको, झाग भी देना। सुबह बेटा उधर उधर ऐसे बैठ जाओ यार, सिट डाउन सिट डाउन, इधर आओ इधर। मम्मी पता सुबह क्या कर रही थी, मम्मी ने सिर्फ खीरा दिया, इसने खाया नहीं क्योंकि चाय बनाई थी मम्मी, पीछे बैठ के पता क्या कर रहा, वाह ऐसा तेज तेज भौंक रहा। मम्मी को समझ नहीं आया कि ये बोल क्या रहा है, फिर जब मम्मी चाय लेके तो पीछे पीछे यूं बैठ गई, यूं कर रहा कि चाय दो चाय। हाँ, फिर चाय चटवाई इसको, उसके बाद जाके भाई साहब ने खीरे खाए है ना, सही कह रहा हूँ। कह रहा साला कैमरा आ गया, नहीं कह रहा कैमरा, कैमरे पे बदतमीज दिखाऊंगा मैं, बस ग्रीन टी पीता हूँ। ये तो प्यारा कलर है ना। वैसे मैं एक चीज बताऊँ, मैंने थोड़ी थोड़ी चीटिंग कर ली गौरव तनेजा भाई का दिल्ली वाला घर देख के, उससे मुझे आइडिया मिला है। ये ब्लू दिख रहा है इसमें तो बहुत ही वैसा ब्लू दिख रहा है, लेकिन ये ग्रीनिश है, ग्रीनिश है नहीं, पॉलिश ब्लू है इसका। अब इस पे एक कोट और होगा, बहुत प्यारा लग। एक गड़बड़ हमारे साथ ये हो गई कि हमें ग्रे कलर लाना था, वहां में कलर समझ नहीं आया तो उन्होंने भाई ने जो सोचा उसने ये दे दिया। अभी भाई समझ नहीं आ रहा कौन सा कलर दिया है, मजाक हो गया हमारे साथ। तो अब इसके ऊपर हम फिर ऊपर तक, ये ऐसे तो अजीब सा डिजाइन लग रहा था तो अब ऊपर तक करवा रहे हैं इसको, यहाँ पे कम से कम भद्दा ना लगे। तो भाइयों की भी मेहनत बढ़ गई है, हमने चाहा चलो भाई कंटेंट मिल गया इसी बात पे, लेकिन सच में मजाक सा लग रहा है ऐसा। अच्छा लगता है। तो भाई अभी इसके ऊपर तीसरा कोट होने वाला है कलर का दीवार पे, और इसने कहा कि अब मैं कलर करूँ क्योंकि व्हाइट पे होता तो सबको हर काम आना चाहिए ना भैया, वो तो ठीक है लेकिन व्हाइट पेस्ट लेस नहीं, इसको लगा कि ज्यादा बेकार कर दी। इधर 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 कर ले, बहुत बढ़िया, वाह कलर के ऊपर कौन कलर करके अपने टैलेंट दिखाता है। मैं सीख रही हूँ, कैस्पर भी डांट रहा है कि लड़के कर दिया, सही आ रहा है, कर सकती हूँ मैं सारे काम, लड़कियाँ नहीं कर सकती ना, इनको लगता है कर सकते हैं, प्रैक्टिस चाहिए होती है। नहीं कर सकते, तो भाई मैं जिम जा रहा था लेकिन अभी कैस्पर और ये बाहर आए और ये बकरी देख के फिर रोने लग गया। ओहो देख, हाँ मिल ले बिल्कुल जाके, देख देख पागल हो जाते तेज तेज लात मारी मेरे, बकरी आएगी ना घर के पास, क्या है कैसे ये कैस्पर क्या देख लिया, इसे पता क्या लगता है अच्छा ये जानवर है, इसे पता नहीं है खुद भी, अरे पागल हो जाता है भाई साहब क्या देख लिया मैंने, खुश है इसको नए नए जानवर दिखाते रहो रोज, तेज मारा इसने मेरा भी ऐसा की कुमारी है इतनी तेज धड़ाम। कैस्पर जा दोस्ती कर ले, पापा कर भाई कैसे हो गई यार, गाड़ी के शीशे के ऊपर चढ़ गया है, देख 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 और बकरियों के पास जाने के लिए भाई कतई आतंक मचा रखा है, ये दोनों पागल है हमारे घर में, कुछ नहीं कह सकते इनके बारे में। कैप्सिकम कॉर्न मेयोनीज और ऑर्गेनो वगैरह सब डाल दिए मैंने इसमें, ब्रेड पे एक साइड सॉस लगा दी एक साइड ऐसे, और अब इस पे ऐसे चीज डाल दूंगी। दिन छिपे मम्मी का ज्ञान शुरू, और मम्मी कह रही है तू तो पता नहीं कब तक ही नहाएगी आज, तो पूरा ये फैला रखा है, ड्राई क्लीन कर रही है भगवान जी को नहलाने की जगह, और पूरा मंदिर सेट कर रही है। सीमा दी के अलग ही वो चल रहे हैं, इनका अलग ही काम है, क्या कर रही हो, छपाई किस पे छपाई कर रही हो, आरएस पे मेरी वीडियो बना रही है। हाँ लो मम्मी को अब पता चला है। हाँ तो मम्मी क्या कर रही हो, ये हम मंदिर को, ये तो बहुत लेट नहाएगी तो इसीलिए मैंने सोचा कि अभी ये नहा के फटाफट दिया, हरियाणा में बोल के दिखाओ ये सेम लाइन, बहू हमारी बहुत लेट नहाएगी, हरियाणा में बोलो यही लाइन, ऐसी बहू मलिक ए छोरी सुन, हाँ तू तो बहुत देर से ना लगी, हाँ सोचा चल मैं इसे मंदिर ना लगा दूँ, मंदिर ना लगा दूँ, हाँ फिर तू अपना फटाफट दिया बत्ती कर लिए, ठीक है ठीक है बैठी रहेगी नानू,
संध्या का टाइम दिया बत्ती बाग रहा है, दोनों बखत मिला कर दे, ठीक है? सुन लिया गाइस, संध्या के टाइम, संध्या लड़की को मत समझना, संध्या मतलब शाम। ये थोड़े उल्टे दिमाग के भी लोग हैं ना हमारे यहाँ पे, संध्या संध्या पूछने लगेंगे कौन है संध्या। हेलो गाइस, अच्छे से सब्सक्राइब करना, बच्चे हैं अपने, ताकि ये खूब तरक्की करें और जो है कि बढ़िया बढ़िया आपको हम वीडियो बनाए हैं, दिखाएं। वेरी गुड।